क्लासेस और आज का हमारा टॉपिक है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीट के क्या पड़ता है, कंडक्टर पे क्या इफेक्ट पड़ता है, रेसिस्टेंस पे क्या उसका इफेक्ट पड़ता है, और दूसरा हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पावर। तो बेसिकली इन दोनों टॉपिक को हम इस चैप्टर में करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक। देखिए, हमें पता है कि किसी भी कंडक्टर में अगर हीट बढ़ता है तो रेसिस्टेंस भी बढ़ता है, और रेसिस्टेंस बढ़ेगा तो हीट भी बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हीट बढ़ेगा तो उस कंडक्टर में रेसिस्टेंस बढ़ेगा, और रेसिस्टेंस बढ़ेगा तो हीट बढ़ेगा। पहली पॉइंट की, अगर किसी कंडक्टर में हीट को बिल्कुल लो टेम्परेचर पर लेके चले जाते हैं तो उसकी रेसिस्टेंस भी कम हो जाती है। अगर रेसिस्टेंस कम हो जाती तो चलिए हम ये देखते हैं कि कैसे उसका इफेक्ट पड़ रहा है। तो आप जनरल लाइफ में यूज करते हैं आयरन, हीटर, ये सारी चीजें, इलेक्ट्रिक बल्ब, इसका यूजेस क्या है। तो देखिए, जैसे हम यूज करते हैं हीटर और इलेक्ट्रिक आयरन, तो इसमें जो बेसिक तौर पे नाइक्रोम वायर लगा हुआ रहता है हीटर के अंदर, तो नाइक्रोम वायर का जो रेसिस्टेंस होता है वो बहुत ज्यादा होता है, रेसिस्ट और मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। रेसिस्टेंस के साथ साथ मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा होता है। तो रेसिस्टेंस ज्यादा होने के कारण होता क्या है बेसिकली, कि जैसे ही रेसिस्टेंस ज्यादा होता है उसमें करंट का सप्लाई करते हैं तो हीट बढ़ना शुरू हो जाता है। जो बेसिक तौर पे अगर देखा जाए तो चार्ज का फ्लो हो रहा है, तो चार्ज का फ्लो हो रहा है यानी कुछ काम कर रहा है, और वो काम कितना कर रहा है, जितना एनर्जी गेन कर रहा है। कोई भी चीज वर्क कितना करता है, जितना एनर्जी गेन करता है, यानी वर्क डन इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक एनर्जी, जितना उसमें एनर्जी है उतना ही वर्क करेगा, ठीक है। अब यहां पे इलेक्ट्रिक एनर्जी है तो एनर्जी कन्वर्ट हो जाता है बेसिक तौर पे इलेक्ट्रिक एनर्जी से हीट एनर्जी में, क्योंकि आपको पता है एनर्जी नहीं डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, नहीं क्रिएट किया जा सकता है, ओनली कन्वर्ट किया जा सकता है। तो वो इलेक्ट्रिक एनर्जी से हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो जितना काम किया, जितना वर्क किया, उतना ही बेसिकली हीट इलेक्ट्रिक एनर्जी हुआ और उतना ही हीट एनर्जी हुआ, ठीक है। तो तीनों आपस में इक्वल है। तो बाय द वे हम उसको प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं कि एक कंडक्टर में हीट कितना जनरेट होता है, ठीक है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि हीट जनरेट कैसे होता है। जब भी किसी भी कंडक्टर में चार्ज का फ्लो होता है तो वो कुछ ना कुछ वर्क करता है, ठीक है। कंटिन्यूसली फ्लो हो रहा है तो कुछ ना कुछ वर्क कर रहा है। वो वर्क कितना कर रहा है, वो वर्क उतना ही करेगा जितना वो एनर्जी लेगा। कोई भी चीज वर्क को इतना ही करता है, तो आप बोल सकते हैं कि वर्क कितना करेगा, जितना वो एनर्जी गेन करेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, या वर्क डन इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो ये सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होता है, तो वही जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो हीट एनर्जी में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि वर्क होता कितना है, बेसिकली वर्क कितना होता है। W इज इक्वल टू क्यू इंटू वी होता है, इक्वेशन वन ले लेते हैं। दूसरा पॉइंट है कि अगर करेंट इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई टी यहां पे होता है, और क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, आई टी हुआ, ओके। जब Q इज इक्वल टू आई टी आया यहाँ पे, अब थोड़ा सा और आंदे आते हैं ओम्स लॉ पे। तो ओम्स लॉ हमारे पास कहता है कि V बाई आई इज इक्वल टू आर, क्लियर। तो V इज इक्वल टू क्या होगा, आई आर, ये भी एक इक्वेशन हो गया, है ना, ओके। थर्ड पॉइंट, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, तो W इज इक्वल टू हम क्या बोल सकते हैं, Q इंटू वी, और Q की जगह हमने आई टी रख दिया, अब V की जगह आई आर, तो क्या हो गया, आई स्क्वायर
टी आर हो गया क्या, ये हो गया। तो आई स्क्वायर टी आर जब हो गया, इससे आगे और जानते हैं, तो क्योंकि जो वर्क था उतना ही इलेक्ट्रिक एनर्जी था, और जितना इलेक्ट्रिक एनर्जी है उतना ही हीट एनर्जी है, तो टोटल मिला के हम लिख सकते हैं कि डब्ल्यू इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक एनर्जी इक्वल टू हीट एनर्जी। क्लियर है? तो हीट इक्वल टू क्या होगा, अगर हीट इज इक्वल टू देखा जाए तो आई स्क्वायर टी आर, यही एक हमारे पास फॉर्मूला आया, तो आई स्क्वायर टी आर। क्लियर? ओके, पहले क्वेश्चन पे आते हैं। एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेसिस्टेंस 25 ओम टेक ए करेंट ऑफ 7 एम्पियर, कैलकुलेट द हीट ऑफ डेवलप इन 0.5 मिनट। तो हमारे पास गिवन क्या क्या है ये देख लेते हैं पहले। तो गिवेन हमारे पास है बेसिकली, तो गिवेन है हमारे पास रेसिस्टेंस 25 ओम, ठीक है, करंट 7 एम्पियर और टाइम है 0.5 मिनट का, यानी कि इसको अगर सेकेंड में चेंज करेंगे तो 30 सेकेंड तक टाइम हमारे पास है। क्लियर? दूसरे पॉइंट पर, तो हमें हीट निकालना है, तो हीट इज इक्वल टू, तो हमें ऑलरेडी पता है कि आई स्क्वायर आर टी या टी आर, तो आई का वैल्यू क्या है, 7 इंटू स्क्वायर आर 25 इंटू 30, यानी 49 इंटू 25 इंटू 30 इक्वल टू हमारे पास जो आया 36,750 जूल। अगर इसको और आगे लिखते हैं तो लिख सकते हैं 3.68 इंटू 10 के पावर 4 जूल, अप्रोक्सीमेटली ये इतना आ जाएगा। तो इतना जूल जो है, हीट एक एनर्जी है, एनर्जी का ऐसा यूनिट जूल, तो इतना जूल जो है हीट डेवलप होता है इस रेसिस्टेंस से। तो दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं कि 200 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस 10 सेकेंड, ओके, इन ए 5 ओम रेसिस्टेंस, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेसिस्टर। तो हमारे पास गिवन क्या है पहले ये देख लेते हैं। तो गिवन है हमारे पास हीट ऑलरेडी गिवन है 200 जूल, रेसिस्टेंस भी 5 ओम का दिया हुआ है, टाइम भी 10 सेकेंड का है, हमें बताना है बेसिकली कि कितना पोटेंशियल्स हुआ, यानी भी फाइंड करना है, ठीक है। तो फॉर्मूला तो हम वही लगाएंगे जो हमारे पास है आई स्क्वायर आर टी। अगर हमारे पास करेंट एक बार मिल गया तो पोटेंशियल्स भी मिल जाएगा, तो आई का वैल्यू हमें पता है कितना है, नहीं पता, 200 जूल है हीट, आई नहीं पता है, ये 5 है ये 10 है, तो आई स्क्वायर इक्वल टू ये इधर को जाएगा 200 इंटू 5 इंटू 10 इक्वल टू 4, तो आई स्क्वायर इक्वल टू 4, आई इक्वल टू 2। तो करेंट हमारे पास 2 एम्पेयर आ गया, तो करेंट अगर 2 एम्पेयर आ गया तो पोटेंशियल इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, आई आर, तो आई का वैल्यू पता है, आर का वैल्यू भी पता है, ये कितना हो गया 10 वोल्ट। इस तरह की बहुत सारे प्रॉब्लम अपन करेंगे आगे, या होमवर्क में भी आपको देखने को मिलेगा वीडियो के लास्ट में, आप खुद से ट्राई करना। अगर प्रैक्टिकली देखा जाए जो हीट है उसका यूजेस कैसे कर रहे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट जो है उसका अपने प्रैक्टिकल लाइफ में यूज कैसे कर रहे हैं हम लोग, तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक बल्ब पे आते हैं। तो इलेक्ट्रिक बल्ब में टंगस्टन लगा हुआ रहता है जो उसका फिलामेंट होता है, तो टंगस्टन जो है बहुत ज्यादा पावर को कंज्यूम करता है, वो पावर कंज्यूम करता है, उसकी जो मेल्टिंग प्वाइंट होती है वो बहुत ज्यादा हाई होती है, हाई मेल्टिंग प्वाइंट रहता है, ठीक है, तो उसमें रेसिस्टिविटी भी ज्यादा होती है, जिसके कारण वो जो फिलामेंट होता है वो बहुत ज्यादा हीट हो जाता है, हीट होने के बाद वो रेड हो जाता है, ठीक है। उसके अंदर एक और चीजें होती है, दो चीजें होती है बेसिकली, उसके अंदर नाइट्रोजन और आर्गन गैस फिल रहते हैं इन एक्टिव फॉर्म में, जो उसको लॉन्ग लास्टिंग बनाते हैं फिलामेंट को,
ठीक है, लंबे समय तक वो चलता है। दूसरी पॉइंट यह है कि वो उस फिलामेंट में जो रेड हो जाता है उसको ग्लो कराते हैं, जिससे हमें लाइट मिलता है। तो यहां पे जो हम हीट है उसको हम लोग लाइट एनर्जी में चेंज कर दे रहे हैं। बेसिकली हमने क्या किया कि इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट एनर्जी में और हीट एनर्जी को लाइट एनर्जी में चेंज कर दिया, ठीक है। दूसरे यूजेस आते हैं जो हमारे घरों में होता है, इलेक्ट्रिक फ्यूज। तो उसमें जो वायर लगा रहता है वो बेसिकली एलॉय रहता है, जिसमें टिन भी होता है। उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो बहुत कम रखते हैं। कम रखने का मेन कारण क्या होता है कि जैसे ही कोई हाई वोल्टेज आता है, ठीक है, पोटेंशियल बहुत ज्यादा हो जाता है, तो वो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ही। तो जैसे ही पोटेंशियल हाई होता है वो वायर जो है वो हीट होता है, और हीट होने के कारण वो मेल्ट हो जाता है, क्योंकि उसकी मेल्टिंग पॉइंट कम है। तो जिसके कारण घर में दूसरी चीजें शॉक होने से बच जाती है, शॉर्ट सर्किट नहीं होता है, क्योंकि उसको बेसिकली सीरीज में मेन वायर के साथ कनेक्ट कर देते हैं, और मेन वायर का जो सर्किट है क्लोज से ओपन हो जाता है। क्लियर है बात, समझ में आ रही? तो दूसरी यूजेस इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। आज आयरन में भी उसका यूज कर रहे हैं, लेकिन वो इलेक्ट्रिक एनर्जी से हीट एनर्जी में चेंज करके। तो बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन है जो हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद जो मेन टॉपिक आता है जिस पे हम लोग डिस्कस करने वाला है वो है इलेक्ट्रिक पावर। क्लियर? इलेक्ट्रिक पावर होता क्या है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक पावर, या फिर बोल सकते हैं द रेट ऑफ एनर्जी कंज्यूम। तो 1 सेकेंड में जितना एनर्जी कंज्यूम करता है वही पावर होता है, ठीक है। इसको भी हम स्मॉल बोर्ड पे जाके पूरी तरह से इसको डिराइव करेंगे, तो पावर इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी कहां से आता है, ठीक है। चलिए फिर चलते हैं फटाफट। फाइनली पावर इज इक्वल टू होता क्या है? द रेट ऑफ कंज्यूमिंग एनर्जी। एनर्जी होता है क्या? वर्क। एनर्जी क्या होता है? जितना वर्क होगा उतना ही एनर्जी होगा, क्योंकि जितना एनर्जी गेन करेगा उतना ही काम करेगा, ठीक है। तो बोल सकते हैं, अगर मान लेते हैं, अगर बी द अमाउंट ऑफ द वर्क, अगर डब्ल्यू क्या है, वर्क है, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं डब्ल्यू बी द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है। अगर ये इलेक्ट्रिक एनर्जी है भाई, द वे कंज्यूम इन सर्किट, ओके, इन टी सेकेंड, टी सेकेंड में अगर डब्ल्यू जो है इतना एनर्जी कंज्यूम कर रहा है कोई सर्किट, ठीक है, तो कितना पावर, वो इलेक्ट्रिक पावर कितना होगा? ओके, तो पी इक्वल टू क्या होता है? डब्ल्यू बाई टी। पी इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी, जनरली यही होता है। तो चलिए इसको और डिटेलिंग्स करते हैं। तो यहां पे डब्ल्यू क्या है? इलेक्ट्रिक एनर्जी है कि नहीं है, अभी हमने बताया, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है? वी क्यू होता है, हमने थोड़ी देर पहले तो प्रूफ तो किया ही था। इलेक्ट्रिक एनर्जी इज इक्वल टू वी क्यू, ठीक है ना। अब पता है ना कि होता है पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू वी क्यू, ये तो हो सकता है, हो सकता है ना। तो जब ये हो सकता है और पावर इज इक्वल टू, हमारे पास ऑलरेडी पता है कि डब्ल्यू बाई टी होता है, यानी वी क्यू बाई टी भी हो सकता है, पावर इज इक्वल टू वी क्यू बाई टी। क्लियर? अब क्यू इज इक्वल टू क्या होता है? आई टी होता है। क्यू इज इक्वल टू आई टी, क्यू टी, आई इज इक्वल टू क्या होता है? क्यू बाई टी, या क्यू इज इक्वल टू आई टी। तो क्यू इज इक्वल टू आई टी जब होता है तो
तो यही चीज यहां पे हम रख देते हैं, तो वी आई टी बाई टी, तो पावर इक्वल टू वी आई हो गया, हो गया कि नहीं हो गया, पावर इक्वल टू वी आई। एक तो ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया, और थोड़ा सा और आगे बढ़ते ओम्स लॉ ले लेते हैं। तो आई इक्वल टू क्या होता है, या पोटेंशियल इक्वल टू आई आर होता है, ऑलरेडी हमें पता है ओम्स लॉ से। अगर हम देखते हैं बाय द वे, तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या हो सकता है, वी इक्वल टू आई आर होता है ना, तो वी इक्वल टू आई आर होता है, तो पी इक्वल टू क्या होगा, अगर आई आर यहां पर भी रख दिए, आई यहां पर भी है, तो टोटल आई स्क्वायर आर हो गया। तो पावर इक्वल टू, एक फॉर्मूला ये भी आ सकता है कि पी इक्वल टू आई स्क्वायर आर, ठीक है। तो पावर का जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है, एसआई यूनिट ऑफ पावर जो है वो क्या दिया गया है, वाट दिया गया है। तो वाट आया कहां से, बेसिकली अगर ये वन वाट इक्वल टू देखा जाए तो क्या क्या हो सकता है। वन वाट यानी कि पावर इक्वल टू, एक फॉर्मूला हमारे पास आया था, क्या आया था, पावर इक्वल टू वी आई आया था कि नहीं आया था। तो यहां पे पावर हो गया, सॉरी एसआई यूनिट ऑफ पावर हो गया वाट, यानी वन वाट इक्वल टू वन वोल्ट इंटू वन एम्पेयर। क्लियर है, करेंट क्या है एम्पेयर, पोटेंशियल का वोल्ट, तो वन वाट इक्वल टू वन वोल्ट इंटू वन एम्पेयर भी हो सकता है, ठीक है। अगर और ज्यादा डिटेलिंग देख लिए तो हमारे पास पावर का जो हमने ये निकाला था आई स्क्वायर आर, ठीक है। तो आई इक्वल टू अगर देखा जाए तो वी बाई आर भी होता है ओम्स लॉ से, तो इसको अगर और सॉल्व कर देंगे तो वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर भी हो जाएगा, अगर आई स्क्वायर की जगह रखे तो क्या आया, वी स्क्वायर बाई आर, तो पावर इक्वल टू ये भी हो सकता है। तो एक ही फॉर्मूला है, वही से तो आपको यूज करना है अपने हिसाब से, ठीक है। चलिए इसके भी न्यूमेरिकल्स कुछ देख लेते हैं, चलिए देखते हैं। गीगर यूनिट ऑफ पावर, वन किलो वाट इक्वल टू टेन पावर थ्री वाट, यानी वन किलो वाट इक्वल टू वन थाउजेंड वाट। उसी तरह वन मेगा वाट इक्वल टू टेन पावर सिक्स वाट एंड वन गीगा वाट इक्वल टू टेन पावर नाइन वाट। अगर देखा जाए प्रैक्टिकली तो एचपी का नाम सुना होगा आपने, हॉर्स पावर, एचपी होता है क्या, हॉर्स पावर। आप जनरली जब भी मोटर वगैरह खरीदने जाते हैं तो उसकी जो पावर है वो एचपी में दिया हुआ रहता है, वन एचपी का मोटर है, टू एचपी का मोटर है, तो वहां ले आता है एचपी। एचपी का मतलब होता है हॉर्स पावर, और वन एचपी इक्वल टू 746 वाट होता है, एक एचपी में इतना वाट होता है। उसी तरह आपने जब इलेक्ट्रिक बिल आता है तो वो यूनिट्स में आता है, कितना यूनिट का बिल आया है, तो वो यूनिट्स क्या होता है, 1000 वाट आवर। एक घंटे तक लगातार 1000 वाट बिजली का कंजप्शन करते हैं तो वन यूनिट का बिल आता है, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ओके। उसी तरह अगर यूनिट्स अगर निकालना है तो वाट इंटू आवर बाई थाउजेंड करके यूनिट्स भी निकाल सकते हैं, ओके। तो चलिए चलते हैं न्यूमेरिकल्स की तरफ। न्यूमेरिकल ऐसा है कि एन इलेक्ट्रिक फैन रन फ्रॉम द 220 वोल्ट मींस द करेंट फ्लोइंग थ्रू इट इज द 0.6 एम्पीयर एट द व्हाट द रेट इज द इलेक्ट्रिक एनर्जी ट्रांसफॉर्म बाय द फैन, हाउ मच एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म इन 2 मिनट, ठीक है। तो हमें बोल रहा है कि ये 2 मिनट में कितना एनर्जी ट्रांसफॉर्म करेगा, जबकि पोटेंशियल हमारे पास दिया हुआ है। तो सबसे पहले लिखो कि गिवन क्या क्या है हमारे पास, तो गिवन है पोटेंशियल 220 वोल्ट, करंट हमारे पास है 0.6 एम्पीयर, टाइम भी हमारे पास 120 सेकंड है, ठीक है। और क्या दिया, पावर हमें नहीं पता है जो निकालना है, तो व्हाट रेट पूछ रहा है, तो व्हाट रेट इज इलेक्ट्रिक एनर्जी ट्रांसफर इन द फैन, रेट पूछना है, तो द रेट ऑफ एनर्जी ही तो पावर होता है, बेसिकली द रेट ऑफ एनर्जी क्या होता है, पावर होता है, ठीक है। क्योंकि हमने शुरू में ही बताया था कि पावर क्या होता है, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम इन सर्किट पर यूनिट टाइम, या द रेट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम।
तो द रेट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी निकालना है यानी पावर निकालना है, तो पावर इज इक्वल टू क्या होता है, हमें पता है कि पावर इज इक्वल टू क्या होता है, वी आई, यहां पोटेंशियल दिया है और ये दिया है आपके पास करेंट दिया है, तो वी आई निकाल दीजिए 220 × 0.6 यानी 132 वाट। ठीक है, अगर आपको निकालना है सपोज दे एनर्जी भी निकालना है कि कितना एनर्जी, ठीक है, और लास्ट में ये भी पूछ रहा है कि हाउ मच एनर्जी ट्रांसफर इन 2 मिनट, 2 मिनट में कितना एनर्जी ट्रांसफॉर्म करेगा। ठीक है, ओके, तो यहां पे एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, पीटी, एनर्जी इज इक्वल टू पीटी, क्यों भाई, क्योंकि पावर इज इक्वल टू वर्क बाई टाइम होता है ना, या फिर बोल सकते हैं पावर इज इक्वल टू ई बाई टी होता है। ठीक है, तो ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर आप देखोगे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो होगा पीटी, तो वही निकाल देंगे, पी हमें मालूम है 132 और टी 120, तो मल्टीप्लाई कीजिए कितना आया, 50,840 जूल, इतना जूल एनर्जी आएगा। क्लियर है, एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर रेटेड द 500 वाट ऑपरेट इन 6 आवर पर डे, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एनर्जी टू ऑपरेट इट फॉर 30 डेज एट 4.5 पर किलो वाट आवर, ये बोल रहा है हमारा क्वेश्चन। तो सबसे पहले देखते हैं कि गिवन क्या क्या है। ठीक है, तो हमारे पास दिया हुआ है 500 वाट वो जो ले रहा है बिजली पावर ले रहा है। ठीक है, 1 घंटे में, 1 दिन में 6 घंटा यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो कितना हमें कॉस्ट आएगा एनर्जी के, अगर 30 दिन हम यूज कर रहे हैं जबकि रेट दिया है, ठीक है, एक यूनिट का 4.5 रुपीज होता है, तो 1 यूनिट इज इक्वल टू होता क्या है, 1 किलो वाट 1 आवर, 1 किलो वाट अगर पावर का कंजप्शन करते हैं 1 घंटे तब तो 1 यूनिट बिल आता है। ठीक है, तो इतना का दिया हुआ है 4.5 रुपीज। ठीक है, तो चलिए शुरू करते, तो हमारे पास सबसे पहले पावर दिया है तो लिख लेते हैं पावर है 500 वाट, और कुछ तो लिखने की जरूरत नहीं है, तो हम सबसे पहले पॉइंट पे ही आ जाते हैं कि एनर्जी कितना कंज्यूम किया। ठीक है, एनर्जी कंज्यूम कितना किया है, बस एनर्जी कंज्यूम बाय रेफ्रिजरेटर भी लिख सकते हो तुम। ठीक है, कितना एनर्जी कंज्यूम कर रहा है जी, तो सबसे पहले तो ये देखते हैं 500 पीटी क्या होता है, पीटी तो पावर, टाइम को अगर हम देखेंगे तो 6 घंटा 30 दिन तक। ठीक है, लेकिन जो टाइम है वो आवर में नहीं सेकेंड में होता है, तो 1 घंटे में 3600 सेकेंड, तो इतना एनर्जी वो कंज्यूम किया बेसिकली। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल आएगा, अगर इसको हम आवर में रहने देते हैं, ठीक है, अगर आवर में रहने देंगे इसका सिर्फ आएगा हमारे पास 90,000 वाट। ठीक है, कितना आएगा 90,000 वाट आवर, सेकेंड्स में ना चेंज करके, क्योंकि यहां पे किलो वाट आवर पूछा है तो आवर में ही रहने देते हैं। ठीक है, 19,000 वाट आवर। क्लियर है, यानी 1 किलो वाट इज इक्वल टू 1,000 वाट, 1 किलो वाट इज इक्वल टू 1,000 वाट, इसलिए 90,000 वाट इज इक्वल टू 90 किलो वाट आवर, तो हमारे पास जो एनर्जी आया 90 किलो वाट आवर आया टोटल एनर्जी। तो एक बताइए कि 1 किलो वाट आवर एनर्जी के लिए हम कितना चुका रहे हैं, 4.5 रुपीज। क्लियर है, क्लियर है, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं 90 × 4.5, जो भी आएगा हम देख लेते हैं अपना।
क्लियर। तो अप्रोक्सीमेटली जो आएगा 4.5 रुपये है ना। फोर हंड्रेड फाइव रुपीज आया, ठीक है। तो इतना रुपए उसका कॉस्ट आएगा, बिजली बिल आएगा। अगर वो 6 घंटे डेली रेफ्रिजरेटर यूज कर रहा है 1 महीने तक, तो क्वेश्चन ऐसा है कि एक इलेक्ट्रिक आयरन है जो 880 वाट इलेक्ट्रिक कंज्यूम करता है जब वो मैक्सिमम हीट होता है, ठीक है। जब मिनिमम हीटिंग पे रहता है वो 340 वाट एनर्जी को कंज्यूम करता है, ठीक है। तो वोल्टेज दिया हुआ है, पोटेंशियल दिया है 220 वोल्ट उसको मिल रहा है। तो हमें बताना है कि इस केस में कितना करंट वो ले रहा है और रेसिस्टेंस दोनों कंडीशन में क्या है। तो चलिए देखते हैं, पहले ही कंडीशन से चलते हैं, ठीक है। तो आते हैं कि पावर इज इक्वल टू क्या होता है, वी आई होता है। तो हमारे पास आई तो निकालना है क्योंकि पावर हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो पावर क्या है पहले कंडीशन में, 880 है ना। तो 880 पोटेंशियल हमें पता है 220, तो क्या आया 4 एम्पियर। क्लियर है, कितना आया 4 एम्पियर। तो पहले कंडीशंस में जो करंट आया वो 4 एम्पियर का आया। लेकिन अगर रेसिस्टेंस की बात करते हैं, आयरन में रेसिस्टेंस कितना आया, तो आर इज इक्वल टू क्या होता है, वी बाई आई। वी तो हमें ऑलरेडी पता है और आई तो हम निकाल ही चुके हैं, यानी 55 ओम। अगर दूसरे कंडीशंस की बात करते हैं इसी तरह, ओके, तो दूसरे कंडीशंस में जो मिनिमम है वो 340 है पावर। तो यहां पे पावर लेते हैं 340 और पोटेंशियल 220, तो हमारे पास आया 1.54 एम्पियर, ठीक है। तो इसकी अगर रेसिस्टेंस की बात करते हैं, दूसरी कंडीशन में जो रेसिस्टेंस निकलेगा वो क्या निकलेगा, ओके। तो चलिए देखते हैं, 220 बाई 1.54 यानी कि 142.85 ओम। क्लियर। तो दूसरी में ये हमारे पास आ गया 142.85। क्लियर है। चलिए, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। तो आज का होमवर्क है ये, ठीक है। अगर किसी तरह की प्रॉब्लम्स हो तो आप कमेंट कीजिए। थैंक यू।